नाउ स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि जो नेक्स्ट और बड़ी क्रिटिकल जो कैटेगरी है फॉर सेल साइड ई कॉमर्स इज या सेल साइड वेबसाइट इज के न्यूज़ पोर्टल और मीडिया साइट अब यहाँ पे लेट मी टेल यू वन एग्जांपल फॉर एग्जांपल सी एन एन डॉट कॉम है सी एन एन डॉट कॉम है या अलजीरा डॉट कॉम है या फॉर एग्जाम्पल राइटर्स डॉट कॉम है सो द की क्वेश्चन कम्स हेयर इज के ये पोर्टल सस्टेन कैसे कर रहे हैं हाउ दीज पोर्टल्स आर कीपिंग दैम सेल्फ अप टू डेट उनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है अब दिस ट्रांसलेट टू द बेसिक ह्यूमन नीड दीज डेज बेसिक ह्यूमन नीड दीज डेज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर बंदे को अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है हर बंदे को अपने आप को अपडेट रखने के लिए डिफरेंट फॉरम्स डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट वेब पोर्टल को एक्सेस करना पड़ता है या एक्सेस हम लोग करते हैं हमारे लिए वो फ्री होता है फॉर एग्जाम्पल सी एन एन डॉट कॉम या फॉर एग्जाम्पल डॉन डॉट कॉम तो इट इज फ्री फॉर मी एज अंड यूजर लेकिन द की क्वेश्चन सेन एन या डॉन वगैरह के लिए इसके अंदर क्या है हाउ दे आर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर आउट ऑफ दिस वेबसाइट क्योंकि वेबसाइट को मैंटेन करना दिस इज नॉट यू नो ये कोई आसान काम नहीं है और इतना इतना सस्ता काम भी नहीं है आपको पूरा आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है तो देर मस्ट बी सम रेशनैल बिहाइंड इट सो लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट रेशनैल जब मैं फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट पर गया किसी वेब पोर्टल पर गया न्यूज पोर्टल पर गया तो मेरे वेबसाइट पे विजिट करने से या वहां पे किसी लिंक पे क्लिक करने से ट्रैफिक जनरेट होती है इंटरनेट के ऊपर क्लिक्स जनरेट होते हैं इससे मुराद ही होती है मेरी के जो क्लिक्स होते हैं दीज क्लिक्स आर सेलेबल थिंग्स न्यूज फीड्स हैं यानी जितने ज्यादा क्लिक्स फॉर एग्जाम्पल सी एन एल पे होंगे या डॉन पे होंगे या फॉर एग्जाम्पल इवन ट्राइब्यून पे होंगे तो जो कंपनीज हैं वो आ, जो सेलर्स हैं या डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनको जाकर ये ट्रैफिक सेल आउट करती हैं, दे मार्केट देयर नंबर ऑफ क्लिक्स फॉर एग्जांपल सी वाले जो हैं वो फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज के पास जाएंगे और कहेंगे देखें जी हमारी वेबसाइट के ऊपर डेली एक्स नंबर ऑफ क्लिक्स आते हैं तो इफ यू वॉन्ट टू तो एडवर्टाइज एडवर्टाइज समथिंग समथिंग और इफ यू विल ऑन आवर पोर्टल तो आपकी जो ऑडियंस है जो आपके प्रोडक्ट की ऑडियंस है देर इज अ चांस कि उसमें अच्छा खासा इंक्रीज होगा नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एडवर्टीजमेंट पे इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी वो अमूमन द बिगेस्ट चंक होती है आ,

और मीडिया साइट्स हैं वो उन्हें एक और जरिया दे रही हैं अपनी चीज को लोगों तक पहुंचाने का वो कैसे दे रही हैं? यानी हाउ कम गो टू न्यूज वेबसाइट इट इज कि एक वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है कितने लोग विजिट कर रहे हैं उसको डेली मंथली या वीकली ताकि उनको यह पता लगे कि इफ दे विल इन्वेस्ट फॉर एग्जांपल इन सी एन एन डॉट कॉम के जी एडवर्टीजमेंट कर दें वेबसाइट के ऊपर दे नो के अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स मिलियन लोग मंथली आ रहे हैं सी एन एन के ऊपर तो देर इज अ ब्राइट चांस कि उनके जो प्रोडक्ट है जो एडवर्टीजमेंट वो लगाने जा रहे हैं सी एन एन की वेबसाइट के ऊपर इट विल बी व्यूएबल बाई मासिस नाउ ऑब्वियसली जो सी एन एन वाले हैं वो फ्री एड नहीं लगाएंगे सो दे सेल द वेब स्पेस यानी जो वेबसाइट के ऊपर स्पेस है वो इसको सेल आउट करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं बिसाइड uh, उनकी जो केबल सब्सक्रिप्शन है एंड सो ऑन सो दिस इज द मेजर चंक ऑफ देयर रेवेन्यू नंबर वन नंबर टू अब जैसे हमें पता है कि जो जर्नलिज्म होती है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी है जो जर्नलिस्ट हैं दे क्रैक डिफरेंट स्टोरीज दे डू सम इन्वेस्टिगेशंस सो देयर इज अ वन वेरी फेमस वेबसाइट एल्फेरो अब ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर एक बहुत मशहूर वेब पोर्टल है एक वेबसाइट है व्हाट दे डू इज के ये जो भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की होती हैं या इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बनाई होती हैं, दे सेल इट ओवर देयर वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ बुक इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी इन द फॉर्म ऑफ अ वाइट पेपर एंड सो ऑन सो जो न्यूज पोर्टल हैं एक तो वो सेल करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट की वेब स्पेस यानी अगर किसी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट करनी है सो दे दे विल चार्ज फॉर इट एंड दे चार्ज हैविल बिलीव मी और उनके भी डिफरेंट मंथली पैकेजेस हैं नंबर वन नंबर टू दूसरा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो ये है कि जो उनके जर्नलिस्ट uh, इन्वेस्टिगेशन करते हैं या डिफरेंट यू नो दे क्रैक द स्टोरीज दे पुट दीज थिंग्स ओवर देयर वेबसाइट फॉर सेल फॉर सेलिंग For example, if I, I am interested in the investigative journalism book, for example, or if I am looking for, for example, a particular case study ke, uh, ke Snowden ne, for example, how did he hack into some server, the website will, will put that thing over you know the news portal will put that a particular case study over their web portal, and if I am interested, they will charge me case you have to pay us this is. और ये डायरेक्टली लिंक है द नंबर ऑफ विजिटर्स द वेब पोर्टल इज हैविंग ऑन द मंथली बेसिस कि जितने ज्यादा ट्रैफिक होगी उतना ही ज्यादा चांस है uh, इस तरह की चीजों को सेल आउट करने का सो so, जो न्यूज पोर्टल हम एज अ व्यूअर तो मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल फ्री है लेकिन फॉर द वेब पोर्टल वो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सो द पंच इज के नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड हमें जो चीज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई मेल यूज कर रहा हूं जी मेल वालों का या याहू वालों का या हॉटमेल कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वालों का तो मुझे तो वो ई मेल फ्री है बट द इश्यू इज दे आर चार्जिंग सम कंपनीज फॉर इट फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना सर्वर फॉर एग्जाम्पल के जी मेल के ऊपर मेंटेन करना है तो ऑब्वियसली जो जी मेल वाले हैं दे आर नॉट गोइंग टू गिव दम फॉर फ्री